हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम बना रहे हैं पालक की मिस्सी पूरी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरी होती है। इसे आप संडे के दिन स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं या बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पालक की मिस्सी पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप आटा, बेसन, पालक जिन्हें मैंने बारीक तोड़कर उबाल लिया है और उसके बाद मिक्सी में पीस लिया है, रवा, अजवाइन, नमक और तेल। अब पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे में बेसन मिलाएंगे, रवा, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन। दोस्तों, इससे कचौड़ी में महक अच्छी आएगी इसको अगर हम क्रंच करके डालते हैं। और पालक, और 2 टेबल स्पून तेल। इसको डालने से पूरी खस्ता और कुरकुरी बनेगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बिना पानी मिलाए। हल्का हल्का पानी मिलाकर अब हम पूरी का हल्का सा सख्त आटा गूंथेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये पूरी के लिए हल्का सा सख्त आटा गूंथ लिया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए कपड़े से ढककर रख देंगे ताकि हमारा आटा सेट हो जाए। 20 मिनट बाद हमारा आटा अब सेट हो गया है। इसे हम हल्का सा मुलायम कर लेंगे। मुलायम करके इसकी हम छोटी छोटी पेड़े के समान लोई काट लेंगे। दोस्तों, इस तरह से हम इसकी लोई तैयार कर लेंगे। अब हम एक लोई लेकर उसे बेलेंगे। इस प्रकार से हम पूरियां बेलकर, सभी पूरियां बेलकर रख देंगे। इस तरह से मैंने सभी लोइयां बेल कर रख ली हैं। अब हम पूरी तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहले ही तेल गरम करके रखा है। अब इसमें हम अपनी पूरी डालेंगे, एक एक करके डालेंगे और हल्का सा ऊपर से दबाएंगे। हल्का सा ब्राउन होने पर निकाल देंगे। इसी प्रकार से हम अपनी सारी पूड़ियां निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर सभी पूड़ियाँ तल के निकाल ली हैं। दोस्तों, हमारी यहाँ पे पालक की मिस्सी पूरी बनकर तैयार है। आप इसे सब्जी या किसी सब्जी या सूखी सब्जी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।